नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मध्य मुंबई के दादर में। चुनाव के ड्यूटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की बुधवार को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जैसे ही सुबह यह पुलिसकर्मी ड्यूटी पर पहुंचा, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि मृतक कांस्टेबल शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन से जुड़ा था और पिछले कुछ दिनों से दादर में एक स्ट्रांग रूम जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जाती है वहां पर तैनात था। यह घटना बुधवार की सुबह तकरीबन 7:40 की है। मृतक की पहचान ठाणे जिले के डोंबिवली के रहने वाले विलास यादव के रूप में हुई। बताते हैं कि यह पुलिसकर्मी जब सुबह डिसिल्वा हाईस्कूल के स्ट्रांग रूम में ड्यूटी कर रहा था, वहां उसे फ्लाइंग स्क्वाड में जो है प्रशिक्षण शामिल किया गया था, वहीं पर उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि कई दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में यही डर है कि जिन्होंने इसकी वैक्सीन लगवाई है उनको ज़्यादातर ये शिकायतें हो रही हैं। फिलहाल ये अफवाह है या सच्चाई, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी जो अफवाहें हैं वो मार्केट में चल रही है कि कोविशील्ड की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जाए तो हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।